भवानी मंडी में नगर पालिका द्वारा रेलवे विभाग की सहमति से जेसीबी की सहायता से करवाई गई रेलवे नाले की साफ सफाई। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन द्वारा बरसाती पानी की निकासी हेतु नालों का रखरखाव कार्य कर उनकी साफ सफाई करवाई जा रही है, जिसके तहत रेलवे प्रशासन की सहमति से रेलवे स्टेशन से लेकर कालवा स्थान तक रेलवे नाले की साफ सफाई करवाई गई। नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रभाव के मद्देनज़र सभी क्षेत्रीय इलाकों में साफ सफाई करवाई जा रही है। पार्षद प्रदीप जैन ने बताया कि बरसात के पूर्व संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में प्रशासन द्वारा साफ सफाई करवाकर मच्छरों आदि से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। वहीं इस दौरान रेलवे इंजीनियर MS अख्तर, पार्षद प्रदीप जैन, पूर्व पार्षद अनुराग मोदी समेत अन्य रेलवे कर्मचारी व नगर पालिका कर्मी मौजूद रहे। नाला है जिसकी सफाई जेसीबी से करते हुए आप देख सकते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मैं प्रदीप जैन, पार्षद वार्ड नंबर 1 से। तो सर, ये आपके वार्ड में आता क्या रहे नाला? ये रेलवे नाला जो है रेलवे स्थान से लेके कालवा स्थान तक लगभग इसकी तकरीबन दूरी है 1 से 1.5 किलोमीटर जी। ये पूरे नाला मेरे वार्ड में आता है, काफ़ी समय से जाम पड़ा हुआ है और आगामी मानसून विभाग के अनुसार जिस प्रकार अभी 8 से 10 दिन में बारिश होने वाली है, जिस तरीके से हमने न्यूज़पेपर और समाचार माध्यम से मालूम पड़ा कि मुंबई में बारिश हो चुकी है, तो 10 दिन के लगभग बारिश हमारे यहाँ पे हो जाएगी। और इसको देखते हुए हमारा जो ये नाला है इसमें पूरा रेलवे ट्रैक का पास की बस्तियाँ उनका सारा पानी, हमारे वार्ड का पानी, ये सभी इसमें आता है। तो अगर इसका भराव रहता है तो ये पानी सारा शहर के अंदर आएगा, इससे कई प्रकार की बीमारियाँ, कई प्रकार के समस्या में जूझना पड़ेगा। इसलिए हम इसको समय रहते हुए हमने रेलवे विभाग से भी अनुरोध किया, उनका भी पूरा सहयोग मिल रहा है और इसकी सफाई नगर पालिका द्वारा कराई जा रही है जी। VP न्यूज़ से चर्चा के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। नाम? शहबाज अख्तर, SSC वर्क्स भवानी मंडी। अच्छा, तो आप रेलवे में किस पोस्ट में हैं आप? सीनियर सेक्शन इंजीनियर। अच्छा, तो सर ये जो रेलवे नाला है ये इसकी जो सफाई है ये किस मद के तहत या किस योजना के तहत की जा रही है? ये सफाई अभी नगर पालिका वाले करवा रहे हैं जी, पार्षद साहब हैं तो उनके सहयोग से हो रहा है। कारण ये है कि इसमें क्या है, तो पानी तो अगर इसको सफाई नहीं किया गया तो अपनी कॉलोनी तो फिर भरती ही है पानी, और साथ ही साथ आपका जो ये वार्ड वगैरह है तो ये सब में पानी चौक होता है जी। अगर आप देखेंगे कि नाले के पीछे जितने भी घर बने हैं सबका नाली का आउटलेट जो है इसमें ही है, तो अपना पानी तो कम आता है और बाहर का पानी, बारिश का पानी और बाकी वार्ड का पानी भी इसमें ही आता है। तो हमने इनको इन्फॉर्म भी किया था और इनका भी सहयोग था, ये भी चाह रहे थे कि बरसात से पहले इसलिए वो कराया जा रहा है। तो वैसे देखा जाए तो नाला रेलवे की सीमा में है, नाला भी रेलवे के द्वारा बनाया गया है, तो इसकी साफ सफाई रखरखाव की जितनी भी सारी व्यवस्थाएं होती है वो तो केंद्र सरकार को और रेलवे विभाग का होना चाहिए ना? ऐसा है, अगर ये रेलवे का नाला है तो फिर उसमें भी कई सारे कंडीशंस है, इसमें फिर कोई दूसरे का पानी का ऑडिट नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि इसमें बाहर का भी आपके नगर मतलब पार्षद जो आपका वार्ड है वार्ड का पानी भी इसमें आ रहा है, या तो फिर वो बंद करें या फिर आप में सहयोग करें उनको करने में जी। तो इसलिए ज्वाइंट से फिर वो डिसीजन लिया गया कि ये ना सफाई का करवा दें, बाकी मेंटेनेंस वगैरह जो है होगा तो फिर हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे, अगर कहीं पर टूट रही है या इसलिए हम कार्रवाई करेंगे जी। VP न्यूज़ से चर्चा करने, धन्यवाद। थैंक यू सर।